मेरे प्यारे अष्टम के भैया बहन, आज 21 सितंबर सोमवार का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग कर्ता अपने हिसाब से डालेंगे और करण के लिए तृतीया विभक्ति है, लेकिन मूल शब्द पहले दे दिया गया। हला हलेना, कुंभा कुंभेना, कुठारा कुठारेणा, खनित्रम खनित्रेणा, कुदारा कुदारेणा, इस तरह होता जाएगा। और क्षेत्र क्षेत्र, काष्ट गर्त यानी गड्ढा, काष्ट यानी लकड़ी, क्षेत्र यानी खेत, कर्ष मने जोतना, सिंच मने सींचना, छिन्नति मने काटना, खन मने खोदना, दारा मने दो फड़ करना, चीरना कोड़ना इत्यादि अर्थ होंगे। अब देखिए वाक्य रचना हो रही है। कृषक में प्रथमा दिए एक वचन, यानी प्रथम पुरुष एक वचन। कृषका हला से हलेना, कृषका हलेना क्षेत्रम कर्षति। अब कृषका बहुवचन जब हो जाएगा, हलेना क्षेत्रम कर्षन्ति। कृषका कुंभेन क्षेत्रम सिंचति, कृषका कुंभेन क्षेत्रम सिंचति। अब देखिए श्रमिक नया लीजिए, कुठारेण काष्ठम छिन्नति। श्रमिका कुठारेण काष्ठम छिन्दन्ति। अब आइए श्रमिक खनित्रेण गर्तम खनति, मजदूर खंती से गड्ढा खोदता है। श्रमिका खनित्रेण गर्तम खनन्ति, ये बहुवचन हो गया। श्रमिक या कृषक कुदारेण क्षेत्रम धारयति, इस तरह से एक वचन और बहुवचन के वाक्य आपको बताए गए। इन वाक्यों को आप पहले प्रथम पुरुष एक वचन दिया गया है, इसको मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन, यह भी करने का आप तैयारी करेंगे। जैसे त्वम हलेन क्षेत्रम कर्षसि, अजुआम हलेन क्षेत्रम कर्षथ, अयुयम हलेन क्षेत्रम कर्षथ। उसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम हलेन क्षेत्रम कर्षामि, आवाम हलेन क्षेत्रम कर्षावः, वयम हलेन क्षेत्रम कर्षामः। ये लट लकार में बना है, इसको भूतकाल लंग लकार में भी ले जाएंगे। पांचों लकारों में केवल क्रिया बदल करके आप इस वाक्य में विस्तार दे सकते हैं। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों तरह के वाक्यों की रचना की चर्चा हो गई। आप इसको करेंगे और अभ्यास करेंगे, समस्या आएगी तो पूछेंगे, बहुत मेहनत से सब ज्ञान मिलता है। दी अब गृह का सुन लीजिए, दी गई तालिका से प्रथम पुरुष 3, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के एक वचन बहुवचन में कुल 6 वाक्यों की रचना करें और इनको अच्छी तरह समझदारी के साथ रचना करें, ताकि आपको ये भय ही भाग जाए। जिस भैया बहन को पुरुष वचन और लकार की समझ हो जाएगी, उनको वाक्य सीखने में, बड़े बड़े वाक्य बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी और उनका संस्कृत उनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ ये कक्षा आपकी समाप्त होती है। गृह कार्य आप समझ गए हैं, जो लिखना है प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के 3 वाक्य, एक वचन और बहुवचन। धन्यवाद।